जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड को आपण मानक स्वागत। कहानी टी आरंभ करने पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा एवं ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेब एवं ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल आगो को एमती नुआ नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई तेब आज कहानी टी आम सह शेयर करलास भाई। तेब चलतु संपूर्ण कहानी टी शुणा विलास भाई दृष्टिकोण। छत्तीसगढ़ बाहर पर आम ट्रक आसी पहुँचला राउरकेलार किंतु से दिन बहुत जोर वर्षा होता है तेणु वर्षा कारण ट्रक और से लदा होता माल सब भिजि जाए जहाँफल आम ट्रक को गोदाम साइड में अटकई दिगला। यह देखि मुठाकर गोदाम मालिक कथा भी हेली किंतु से कहले आम एम ओदा जिनस को ट्रक रु ओई पार्बुन तुमको टी अपेक्षा करने को पड़ आम हाथ में अपेक्षा करने छड़ा अगर कौन से उपाय भी न था कारण एत बड़ लोड़े ट्रक को आम एम छाड़ भी आसी पार्बुन नचे आमको बहुत बड़ गोटे लस सहवाक पड़ तेणु बाध्य आमको से रहा पड़ा आ जिनस सुखिया पर्यटन अपेक्षा करने को पड़ा। से ही दिन रातर जिते बड़े मुझ मो साथी हेल्पर आम ट्रक सैड बस रात रोष करू था कि ठीक से बेले सामना पाखर गोटे झीओ पिला चली चली आम आड़ को आसला आम आड़े चाहवाक लगला से मुझे बारण करके कहली अरे ये झी किए तु एठ कौन पर आसीचु चल जाए यह शुणी से झी से कि भी न कही कौन दौड़ी चलीगला आमे भी तापर से ध्यान देलु ना आतीर खाइबा सारी से गोदाम बाहर शईगलु। से ही दिन अधराती जिते आम दुईज निघोड़ निदर शई था सेतेले आमर खाइबा बासन हठात झनझन साउंड कला मो निद एकदम भांगिगला मन है जमीती कहीं आम ऐंठा बासन भितर किसी खाइबा खोजुच्छी मु निदर उठिली हल्का हाथ में बेडसीट हटे बाहर को देखिली तो बाहर दृश्य मत कि क्षण स्तब्ध करदेला कारण ठीक मोर सामने से सामान झी जहाँ को किसी समय पूर्व निजे आम पाखर घोड़ी दे थी आम ऐंठा बासन गुड़ाक एपट सेपट कर से खोजु थाए यह देखि मुझे किसी भी कहली ना बर आखि बुझी किसी न जाणला से खटिया पड़ रही कि समय बाद से झील से चलीगला कि सका आम जिते से ऐंठा बासन गुड़ाक देखू तो आम पाद तल मटी ही खसीगला से बासन गुड़ाक रक्तर छिटा लगी थाए जहाँ बहुत जोर दुर्गंध कराए ए सब देखी काली रातिर से सब घटना मु मो हेल्पर को जनइली तो से खूब जोर डरीगला आमको से चली जावाई कहला किंतु मुझे सांत्वना दे कि बाध्य कहली अरे सेमती कि हेनी तु डरुचु कहीं छोटिया झीटा भोक बिगल बोध चली आस चल छाड़ से सब कथा एमती रे भी आम माल सब सुखीगला काली अनलोड भी होपर आम एठ चली जावानी तेणु से दिन भी आम से ही जगह रहीगलु तापर पुणी राति आसला आ रातिर खाइबा खायापी आम से गोदाम ठारु किछि मीटर दूर गोटे ढाबा पाख चलीगलु आकु दुईटा मिल पैक करने अर्डर देलु से ढाबा वाला खाइबा पैक करने समय आमको पचारा अच्छा बाबू मैने तुम्हें मैंने क्यों आसीच तो मुझे यात्रा संपर्क कहली आमर ट्रक से गोदाम बाहर अटकी कहली मोर यही कथार से ढाबा वाला आमको टी आश्चर्य कहला गोटे कथा कह बाबू डिनरटा ये कर दि से गोदाम पाख नहीं जाना मो कथा मान ढाबा वाला रो यही कथार मुझे पचारि कहीं कौन किसी असुविधा अच्छे कि तो से ढाबा वाला जहाँ सब आमको कहला ताणमान आम होश ही उड़ीगला से ढाबा वाला रो कह अनुसार से गोदाम बाहर गोटे झीओर आत्मा घूरी बुलू जे कि बहुत खतरनाक किंतु प्रथम देखा तुमको सेमती किसी भी लगभन हेले जदि तुम्हें रातिर डिनर कर ऐंठा बासन सब से छाड़देव से झील तुम पाक चली आस तो मुझे पुणी थे पचारि कितु कहीं ऐंठा बासन सह तार कि संपर्क तो से ढाबा वाला पुणी थे आमको कहला से झीटी गोटे गरीब दिन मजुरी श्रेणी श्रमिक थाए जहाँ ओलीए खाइबा मिले ओलीए मिलु न थाए मगि जा बाबू मालिक कह मई पेट पोषण कै मुझे निज आखिरे देखी बाबू बढ़वाड़ी छुआटा एमती गोटे दिन रातिर घटना किसी पापी ट्रक ड्राइवर ताको खाइबार प्रलोभन देखाई तासो असदाचरण कले
ଆଉ ତାଠି ତାଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ତାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ କାଙ୍ଗାଳିର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଏଇଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଯେ କେହି ବି ତାକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଭାବି ତା ଉପରେ କୋଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି ତାର ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଢାବାବାଲାଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ବିଗତ ରାତିରେ ଆମ ସହ ଘଟିଥିବା ସେ ଘଟଣା ବି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଆମକୁ ବି ସେ ଝିଅ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲୁ। ଆମଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଢାବାବାଲା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ତୁମର ମନ ପରିଷ୍କାର ବାବୁ, ସେ ତୁମର ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲା କି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପାପି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତା ନଜରରେ ଭଲ ଲୋକ ବାହାରିଲ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଢାବାବାଲାଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଦାମ ପାଖକୁ ଖାଇବା ନ ନେଇ ସେଇଠି ଡିନର କରିଦେଲୁ, ଆଉ ରାତିଟା ସେଇ ଢାବା ବାହାରେ କଟେଇଦେଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟ୍ରକରୁ ମାଲ ଅନଲୋଡ଼ କରି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମୁଖେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ଝିଅ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବଳାର ଫାଇଦା ନେଇ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରିବା ସେ ପାପୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଠିକ୍ ଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ସେତିକି। ଯଦି ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।